स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अडर 247। सो आज का हमारा जो करंट अफेयर शो है उसमें हम कवर करने वाले हैं जून मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे उनको हम आज कवर करेंगे। सो यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, सो जल्दी से यहाँ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन आ जाने दीजिए। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द सेशन? यहाँ पर बोल रहे हैं नो साउंड, टेक्निकल टीम। ओके, क्या अभी आपको साउंड आ रही है, सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो यस मैम। ओके, टेक्निकल टीम, साउंड ठीक है क्या? अभी भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं नो साउंड। यस, माइक चेक अविनाश। ओके, सो म्यूट किया हुआ है क्या आपने यहाँ पर? आपने ऑडियो शायद कट की हुई है, एक बार चेक कर लेंगे हम। स्टूडेंट्स, क्या अभी आपको वॉइस आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद हम सेशन को शुरू करते हैं। ओके, सो जयदीप बता रहे हैं कि साउंड आ रही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए देखेंगे स्टूडेंट्स आज के सेशन में हमारे, देखो आपने थंबनेल देख लिया होगा, टोटल आज हम 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जनवरी से लेकर मई मंथ के करंट अफेयर क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं। सो आज ये हमारे 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का लास्ट सेशन रहने वाला है। सो चलिए देखते हैं आज के फाइनल सेशन जो हमारा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेफिनेटली लोकेश कुमारी, आपके SSC हो, रेलवे हो, बैंक एग्जामिनेशन हो, हर एक एग्जामिनेशन में अगर करंट अफेयर आता है तो डेफिनेटली आपको क्लासेस फॉलो करनी चाहिए। ओके, चलिए स्टूडेंट जल्दी से आप सेशन को यहाँ पर लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, फिर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। डेफिनेटली यू विल बी हीरो रोहित तिवारी अगर आप ऐसे सेशन को फॉलो करते रहते हैं। चलिए दिखा दीजिए हमारा स्लाइड, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नेम द सॉन्ग दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टू कर्ब द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक सॉन्ग लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है? ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर सॉन्ग की यहाँ पर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दैट इज हवा आने दे। सो हवा आने दे वॉज द सॉन्ग जो लॉन्च किया था हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए। ओके, देखो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। सो 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया था। एनवायरनमेंट डे जो हमारा रहा उसका थीम क्या था? इस बार का जो थीम था वो था बीट एयर पोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो बीट एयर पोल्यूशन वॉज अ थीम ऑफ व्हाट? एनवायरनमेंट डे। और इस दिन क्या लॉन्च किया गया था? एक सॉन्ग लॉन्च किया गया था जिसका नाम था हवा आने दे। इस सॉन्ग में जो फिल्म कैरेक्टर सबसे मेनली था उसका नाम क्या है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने यहाँ पर इस सॉन्ग में पूरे एक्टिंग की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। देखो एक आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ द एनवायरमेंट मिनिस्टर, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? ओके, सो स्टूडेंट्स हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। क्लाइमेट मिनिस्टर हमारे कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। और उनके पास एक और मिनिस्ट्री है, वो क्या है? INB मिनिस्ट्री है। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पर आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओल्ड ओरंगुतन दैट डाइड एट द नंदन कनन जोलॉजिकल पार्क। इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हैं एप्स की एक स्पीसीज है जिसकी यहाँ पर बात की गई है, नंदन कनन जोलॉजिकल पार्क में जिसकी डेथ हो गई है। जैसे हम चिंपैंजी वगैरह बोलते हैं ये ऐसे ही कुछ दिखने वाले था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमें एक नाम याद होना चाहिए वो है बिनी। बिनी जो है उसकी डेथ हो चुकी है कहाँ पर? नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क में। ऐसे ही हमारा एक लास्ट वाइट टाइगर था जिसकी डेथ हो गई थी, कहाँ पर डेथ हुई थी उसकी? संजय गांधी नेशनल पार्क में। तो उस लास्ट वाइट टाइगर का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए बात अगर हम करेंगे तो उसका जो नाम था वो क्या था? बाजीराव था।
बाजीराव लास्ट वाइट टाइगर था जिसकी डेथ हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स कमिंग फ्रॉम मेक्सिको इन अ बिड टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन रिसेंटली। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जल्दी से थोड़ा क्लास पर फोकस करें और क्वेश्चन का आंसर करें, फ्री पेड ये सब कुछ चीज़ें छोड़कर थोड़ा क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि ये सेशन हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है यूएसए। सो यूएसए ने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है टैरिफ्स कौन से गुड्स पर जो मेक्सिको से गुड्स आएंगे उसके ऊपर। मेक्सिको की कैपिटल क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द मेक्सिको। सो मेक्सिको की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को है। ओके वेट, मेक्सिको की जो कैपिटल है वो क्या है, मेक्सिको सिटी है सॉरी। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, पीसो है। पीसो इज द करेंसी ऑफ मेक्सिको। ओके चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मर इसरो चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन लेड कमिटी सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू एचआरडी मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली। हु इज़ द प्रेजिडेंट यूनियन एचआरडी मिनिस्टर। हमारे प्रेजिडेंट यूनियन एचआरडी मिनिस्टर का नाम क्या है। सो स्टूडेंट्स जल्दी से हम कमिंग सेशन में बताएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज़ रमेश पोखरियाल। हमें पता है अभी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर बने हैं उनका नाम क्या है, रमेश पोखरियाल इज़ द एचआरडी मिनिस्टर राइट नाउ। ओके अब हमसे क्या पूछा जाएगा, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हमसे पूछा जा सकता है। तो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, हरिद्वार है। ओके विच इज़ इन उत्तराखंड इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रमेश पोखरियाल। चलिए स्टूडेंट देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए, नेम द इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द ग्लोबल बॉडी दैट फोकस ऑन वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वेलिटी पर फोकस करती है जो पूरी एक बॉडी, उसको हेड करने वाली डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक नाम जो पता होना चाहिए वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ अनीता भाटिया। सो अनीता भाटिया इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। आपसे पूछा जा सकता है हमारी विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है। विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर इस टाइम पर जो हमारी हैं वो है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी क्या है, हमारी विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वेव्ड एडमिशन फीस फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन अप टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अगर एडमिशन वो ले रहे हैं और उनके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख से कम है तो उनकी फीस को वेव किया जाएगा, वहाँ पर हटा दिया जाएगा, यानी उनको वहाँ पर एक स्कॉलरशिप की तरह प्रोवाइड किया जाना है। सो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर क्या है। ओके सो लेट्स सी सबसे पहले कौन आंसर यहाँ पर करता है। इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ आसाम स्टेट। आसाम स्टेट ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि वो फी जो स्टूडेंट्स के उनको वेव कर देंगे। आसाम के सीएम कौन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। सर्बानंद सोनोवाल जो हैं वो क्या है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ के जो गवर्नर है वो क्या है, जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी इज़ द गवर्नर ऑफ आसाम स्टेट, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मिजोरम के गवर्नर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, हु हैज़ बीन स्वॉन इन एज द प्रेजिडेंट ऑफ एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जो है उसके प्रेजिडेंट कौन बन गए हैं। ओके स्टूडेंट्स देखो कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में बताइए, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड द करेंसी ऑफ एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जो है उसकी कैपिटल एंड करेंसी क्या है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज़ नायब। ओके सो नायब यहाँ पर क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए एल सेल्वाडोर की। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें तो क्या है वो, सान या फिर सन बोल सकते हो आप, सेल्वाडोर। ओके सो सैन सेल्वाडोर इज़ द कैपिटल ऑफ एल सेल्वाडोर। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर इज़ द करेंसी ऑफ एल सेल्वाडोर। ओके स्टूडेंट्स चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट ऑन विच डे एवरी ईयर सिंस 2014। देखो 2014 में तेलंगाना को बनाया गया था आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, उनको वहाँ पर बाइफर्केट किया गया था। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ में आप बता सकते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन हैं। देखो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर है, इस क्वेश्चन के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहले आंसर जो है वो 2 जून है।
2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन डे। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर यहाँ के हैं ESL नरसिम्हन। ओके स्टूडेंट्स, सो ESL नरसिम्हन जो हैं वो तेलंगाना के गवर्नर हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर बात हुई है FAO की, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेलेक्टेड June 1st एज द वर्ल्ड मिल्क डे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा ये बोला है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है थीम क्या है वर्ल्ड मिल्क डे का। ओके, सो वर्ल्ड मिल्क डे की थीम की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज़ ड्रिंक मिल्क टूडे एंड एवरी डे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, फिर हम क्या बता देंगे, 1 जून बता देंगे। वन मोर क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO, FAO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, दैट इज़ इन इटली। रोम इटली इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ दिस। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का नाम क्या है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है। सो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है, हरसिमरत कौर बादल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हम हरसिमरत कौर बादल इज़ द फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर राइट नाउ। ओके, चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज़ बिन ग्रांटेड कैबिनेट स्टेटस एंड 5 more years एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं उनका नाम क्या है। सो स्टूडेंट्स, अजीत दोवल जो हैं वो क्या हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल एफर्ट्स टू इम्पोज एंड यूनिफाइड टैक्स पॉलिसी ऑन गूगल, फेसबुक एंड अदर इंटरनेट जायंट्स हैव क्लियर्ड अ मेजर हर्डल अहेड ऑफ द G20 समिट इन। सो इस क्वेश्चन में ओवरऑल आपसे पूछा गया है कि G20 समिट जो होने वाली थी वो कहाँ पर हुई है। ओके, सो स्टूडेंट्स, G20 समिट के लिए अगर आपसे वेन्यू पूछा जाएगा तो हम जो आंसर करके आएंगे वो जापान आंसर करेंगे, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी वहाँ की येन है। जापान के जो नए एम्परर बन गए हैं, पहले अकीहितो थे, उनको रिप्लेस करके कौन बन गए हैं, नारुहितो बन गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नारुहितो इज़ द एम्परर ऑफ जापान कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, आपकी बेटी स्कीम जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू स्कूल गर्ल्स अंडर द आपकी बेटी स्कीम एंड द एक्स ग्रेट्रिया पेमेंट टू द फैमिलीज ऑफ पोलिंग पर्सनल। यहाँ पर आपसे पूछा गया जो लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, जो ऑर्फनीज होती हैं, सो उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन है कि आपकी बेटी जो स्कीम है किस स्टेट ने लॉन्च की। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो राजस्थान स्टेट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं, गवर्नर का नाम कल्याण सिंह है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019 टू बी ऑब्जर्व फ्रॉम June 3rd to 7th, व्हाट वाज इट्स थीम। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो कैसे क्यों मनाया जाता है, ताकि फाइनेंशियल जो डिजिटल लिटरेसी है वो दी जाए फार्मर्स को भी और छोटे लोगों को भी, यानी जिन लोगों को चीज़ें गांव में रहते हैं, जिनको जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको ये हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है, ताकि वो बैंकिंग के बारे में भी जान सके और डिजिटल जो हम ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हैं उनकी भी उनको नॉलेज हो पाए। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर करें वो फार्मर्स आंसर करें जो बिल्कुल सही है। इस बार का जो थीम या मेन फोकस रहा वो फार्मर्स के ऊपर रहा था, तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 5th आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली इसका आपसे थीम पूछा जा सकता है, तो आप ये थीम याद रख लेंगे फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गया है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन टू एक्सटेंड द रायथू बंधु स्कीम। रायथू बंधु स्कीम के अंडर अमाउंट को 4,000 से इंक्रीज करके 5,000 यहाँ पर कर दिया गया है। सो रायथू बंधु स्कीम जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट से ही रिलेटेड है क्या, रायथू बंधु स्कीम। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ 400 likes, 400 लाइक्स का एक टारगेट रखते हैं और जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी हम कितनी जल्दी उस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है। द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस ईच ऑन विच डे।
देखो हम कोशिश करेंगे पूरे 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरा एक मंथ का रिवीजन हो जाए, और ऐसा कोई एक सेशन जिसमें आपको पूरा मंथ कवर हो जाए वो थोड़ा टफ भी होता है कवर करवाना, बट वी विल ट्राई कि हमारे सारे क्वेश्चन आज के सेशन में कवर हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही सेशन को लाइक करेंगे और थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो। इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज़ 4th जून। 4th जून को ऑब्जर्व क्या किया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स। ओके स्टूडेंट्स, इससे हमें जो याद रखना है वो 4th जून हमें पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखेंगे क्या है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैबिनेट हैज़ पास्ड ए रिजोल्यूशन टू इंक्रीज द रिजर्वेशन कोटा फॉर द ओबीसी फ्रॉम एग्जिस्टिंग 14% टू 27%। हमें पता है ओबीसी कैटेगरी जो है उनको कुछ ना कुछ कोटा प्रोवाइड किया जाता है बाय गवर्नमेंट, 14% से इंक्रीज करके कि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको 27% कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज़ मध्य प्रदेश। डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, मैं 3 से 4 बार रिपीट करवा चुकी हूँ। सो एमपी हम याद रखेंगे 14% से 27% कर दिया है। एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर है एमपी के, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो आपके लिए आया है ये आपको बस याद रख लेना है, इससे 2-3 फैक्ट्स हैं। यूएई ने पहली बार तो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कार्ड लॉन्च किया था, उस कार्ड का नाम क्या था, गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड विच वॉज इशूड बाय यूएई। किसके लिए, जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उसके लिए। ओके सो ये आपसे पूछा गया है, हैज़ इशूड द ब्लैंक गोल्डन रेजिडेंशियल परमिट इन अबू धाबी, यानी कितने नंबर का ये यहाँ पर उनको परमिट दिया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमें जो एक नंबर याद रख लेना है वो फर्स्ट है, पहला उन्होंने अपना ऐसा कुछ परमानेंट रेजिडेंसी गोल्डन कार्ड लॉन्च किया है। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला जो गोल्डन कार्ड था, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड था, उसको रिसीव करने वाले पर्सन कौन थे। तो उसको रिसीव करने वाले जो स्टूडेंट पर्सन थे वो हमारे इंडिया के ही पर्सन थे, और यहाँ आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उनका नाम क्या था। देखो उनका जो नाम था वो क्या था, यूसुफ अली फ्रॉम इंडिया वाज़ द रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट गोल्डन कार्ड विच वाज़ अ परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड फ्रॉम यूएई। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी यहाँ की क्या है, दिरहम इज़ द करेंसी ऑफ यूएई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, टू एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स द ब्लैंक कमिटी हैज सजेस्टेड अ होस्ट ऑफ मेजर्स इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम RTGS एंड NEFT। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कवर कर चुके हैं, RTGS और NEFT के थ्रू जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस पर अब कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी चार्ज पे नहीं किया जाएगा। और ये जो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को लेने वाली कमेटी के जो हेड रहे हैं उनका नाम क्या है, नंदन नीलेकानी है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंदन नीलेकणी जो है उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया था विच वॉज रिलेटेड टू द RTGS एंड NEFT। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, एंड NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके लिए है, WHO हैज सेलेक्टेड ब्लैंक गवर्नमेंट्स मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर इट्स अवार्ड दिस ईयर फॉर इट्स अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ टोबैको कंट्रोल। टोबैको कंट्रोल के लिए कौन से स्टेट का हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसको WHO का ये अवार्ड दिया गया है। सो WHO ने ये जो टोबैको कंट्रोल के लिए अवार्ड दिया है वो दिया है राजस्थान गवर्नमेंट के मेडिकल डिपार्टमेंट को। यानी क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। हमसे पूछा जा सकता है WHO के प्रेजिडेंट का नाम क्या है। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड है उनका नाम क्या है, टेड्रोस एडेनोम। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपको, टेड्रोस एडेनोम जो है वो यहाँ के क्या हैं, हेड हैं। आज चीज़ों को ओरली ही याद करेंगे क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, इन अ फर्स्ट 25-year-old इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम ओडिशा हैज़ बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द 17th लोकसभा। देखो हमारी अभी जो लोकसभा बनी है इलेक्शन के बाद में वो कौन सी बनी है, 17वीं लोकसभा बनी है। तो 17वीं लोकसभा की यंगेस्ट पार्लियामेंट मेंबर यानी MP बन गई हैं, उनका नाम क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। हमसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर MPs बनी हैं वो कहाँ से बनी है, तो ओडिशा स्टेट से ही हैं। अगेन उन MP का नाम क्या है, यहाँ पर उनका जो नाम है वो ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू यहाँ पर क्या बन गई हैं, MP बन गई हैं, शी इज़ द यंगेस्ट MP राइट नाउ। आपसे पूछा जाएगा 17th हमारी जो लोकसभा है उसमें टोटल कितनी वीमेन MPs हैं,
अगर हमारी 17वीं लोकसभा की बात की जाए, टोटल वहाँ पर जो एमपीज का नंबर है विमेन एमपीज का, वो कितना है, 78 है, और पिछली वाली लोकसभा से अब की बार मैक्सिमम है, यानी अब की बार ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं, जल्दी से बताएंगे आपका स्कोर कितना चल रहा है इस टाइम पर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अपॉइंटेड फ्लिपकार्ट फाउंडर सचिन बंसल एज इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सचिन बंसल को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया है? यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो बनाए हैं सचिन बंसल, इसके अलावा अपने MD भी चेंज कर दिए हैं। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो MD बने हैं उनका नाम क्या है, नितिन चग है। नितिन चग इज़ द MD ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक नाम हमें जो याद रखना है यहाँ से, सचिन बंसल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एक्सिस बैंक ने अभी अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ द बैंक। एक्सिस बैंक के चेयरमैन कौन बन गए हैं, उनका नाम क्या है? सही स्टूडेंट्स, एक्सिस बैंक के जो MD सीईओ हैं उनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन बने उनका नाम क्या है, राकेश मखीजा है। सो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज राकेश मखीजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर है, फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट ब्लैंक वॉज बिस्टोव्ड ऑन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? शी वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हमारी पहली वीमेन प्रेजिडेंट भी रह चुकी हैं, उनका नाम क्या है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो हैं उनको दिया गया था ये अवार्ड, हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मैक्सिको दिया गया है श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को, जो हमारी क्या रही थी, पहली फीमेल प्रेजिडेंट भी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैक्सिको की हम बात कर चुके हैं, पहली मैक्सिको की जो कैपिटल है वो क्या है, मैक्सिको सिटी है। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आपको बताना है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो है वो कब मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है, दैट इज 5th जून। 5th जून को हम मनाते हैं एनवायरमेंट डे भी, और ये वाला डे भी 5th जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो बात हो रही है वो है वर्ल्ड बैंक की बात। वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020। सो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में हमारी टीम बोल रही है, आप स्टूडेंट्स जल्दी से सेशन को लाइक जरूर करें, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉचिंग है जरूर सेशन को लाइक करें। देखो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेशन लगाया है वो कितना एस्टिमेशन है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा वो है 7.5%। ओके स्टूडेंट्स, सो 7.5% जो है एस्टिमेशन है वर्ल्ड बैंक का हमारे इंडिया के लिए। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड 3 अपॉइंटमेंट्स हमें पता होने चाहिए। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है, डेविड मेलपास जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की जो CFO बनी है, MD एंड CFO बनी है, वो कहाँ की, SBI की पहली MD रह चुकी है, उनका नाम क्या है, श्रीमती अंशुला कांत जो है उनका रिसेंट अपॉइंटमेंट, उनको बनाया गया MD एंड CFO ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ की अगर आपसे CEO पूछा जाएगा तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्रिस्टेलिना जियोर्जीवा जो है यहाँ की CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सेशन, जो यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमने लाइक कर दिया है। ओके, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज हमारे 100 क्वेश्चन है, जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा फास्ट हो रहा है। देखो इंडिया का रैंक आपसे पूछा गया है इन न्यू इंडेक्स दैट मीन्स ग्लोबल जेंडर इक्वेलिटी। ओवरऑल अगर हम देखा जाए जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर जो पूरा एक इंडेक्स आया था उसमें इंडिया का कितना रैंक है। देखो इंडिया की काफ़ी बुरी कंडीशन, अगर हम जेंडर इक्वेलिटी की बात करें तो जेंडर हमारे यहाँ पर इक्वेलिटी इंडिया में नहीं है, तो इंडिया की जो रैंक रही स्टूडेंट्स यहाँ पर 95 है, दैट्स गुड। और प्रियंका ने यहाँ पर बताया है टॉप जो किया है वो डेनमार्क ने टॉप किया है, काफ़ी अच्छी बात है अगर आपको इतने रैंक्स और फैक्ट्स भी याद रहते हैं तो। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर 5 हो गया था, टॉप जो किया है वो डेनमार्क ने टॉप कर दिया है, यानी डेनमार्क में क्या दिया जाता है, पूरी इक्वालिटी दी जाती है मैन एंड वीमेन को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डेनमार्क की जो कैपिटल है वो क्या है, कॉपेनहेगन इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क एंड द करेंसी इज़ क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, मलयालम एक्टर शीला जेसी हैज़ वन द जेसी डैनियल अवार्ड। शीला जी हैं उनको क्या दिया गया है, जेसी डैनियल अवार्ड दिया गया है, द हाइएस्ट ऑनर इन द मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा का ये क्या है, हाइएस्ट ऑनर है। आपसे पूछा गया वो कौन सी वीमेन बन गए, कितने नंबर की वीमेन बन गई हैं टू गेट दिस अवार्ड।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज सेकंड. सेकंड तो वो बन गई है, लेकिन उनसे पहले भी मिल चुका है. इनसे पहले जो अवार्ड मिला था वो मिला था अरनमुला को. अरनमुला वॉज द फर्स्ट फीमेल टू गेट द जी सी डैनियल अवार्ड विच वॉज द हाइएस्ट ऑनर इन मलयालम सिनेमा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है. क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हुई है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो बुक है उसके ऑथर का क्या नाम है. सो द इंडियन चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज हैज़ बीन रिटन बाय होम. किन्होंने ये बुक लिखी है. देखो बुक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है आशीष रे. आशीष रे की बुक है जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड कप. जल्दी से एक बात बता दी यहाँ पर बताइए कि गेम चेंजर जो बुक है वो किसकी है. गेम चेंजर बुक जो है वो शाहिद अफरीदी की है. 281 एंड बियॉन्ड, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड बुक्स मैं आपको बता रही हूँ. 281 जो बुक थी वो थी वीवीएस लक्ष्मण की. नो स्पिन जो बुक रही है वो नो स्पिन बुक किसकी थी, शेन वॉन की थी. एंड दिस वाज ऑफ शाहिद अफरीदी. तो तीनों ही बुक हमें याद रखनी है. और एक और हमारे सामने नई बुक आ गई है जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप आशीष रे के द्वारा लिखी गई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है. द ब्लैंक ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट विल बी हेल्ड इन ब्यूनस एरिस, दैट इज इन अर्जेंटीना. अर्जेंटीना में हुआ था ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट, जिसमें हमारे यहाँ से थावरचंद गहलोत जी भी गए थे. तो थावरचंद गहलोत जो है वो कौन से मिनिस्टर, उनके पास क्या पोर्टफोलियो है, ये भी कमेंट सेक्शन में आपको जल्दी से बताना है. ओके सो स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर टू है, दैट इज सेकेंड. सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट जो हुई उसका वेन्यू क्या रहा था, अर्जेंटीना रहा था. Is it clear to you, student? I hope this thing is clear to you. चलिए next question पर move करेंगे हमारा. In United States, Google's India's born CEO, Google India के CEO कौन है, उनको आपका नाम बताना है. And NASDAQ president जिनका नाम है Adina, have been chosen for the prestigious Global Leadership Award. Global Leadership Award 2019 के लिए दो person को दिया गया है. उनमें से एक जो है वो कौन है, सुंदर पिचाई हैं, जो क्या है, CEO है गूगल के. गूगल के CEO को भी यहाँ पर दिया गया है. एंड सेकेंड इज NASDAQ प्रेजिडेंट, दैट इज Adina. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फाइव है, दैट इज सुंदर पिचाई. थावरचंद गहलोत जो है हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं. दैट इज गुड, आपने बिल्कुल सही बताया है. सुंदर पिचाई का नाम हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रख लेंगे. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखेंगे. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपका 30 में से कितना स्कोर चल रहा है. ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च फर्स्ट आर्कटिक ट्रेन सर्विसेज रिसेंटली. पहली आर्कटिक ट्रेन सर्विसेज लॉन्च करने वाली कंट्री का नाम क्या है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो रशिया है. रशिया की कैपिटल एंड कंट्री भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, इट इज़ मॉस्को. और यहाँ की करेंसी जो है वो रूबल है. प्रेजिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया. ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने शुरू की थी पहली आर्कटिक ट्रेन सर्विस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ IMD, दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इसके चीफ कौन बन गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए हमें जो आंसर याद रख लेना है वो क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री, दैट इज मृत्युंजय महापात्रा. मृत्युंजय महापात्रा इज द IMD चीफ राइट नाउ. IMD के वो क्या बन गए हैं, चीफ बन गए हैं. IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है IMD का. ओके चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे. किस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो मनाया जाता है. इसका थीम भी क्या रहा है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री जो है हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज 7th जून. 7th जून हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर हमसे पूछा जाएगा इसका थीम क्या रहा है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे. फूड सेफ्टी एवरी वंस बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, सो फूड सेफ्टी एवरी वंस बिजनेस वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. यहाँ पर आपसे बात होगी एन एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक कंजेशन इन मोर देन 400 सिटीज अक्रॉस 6 continents हैज़ बिन फाउंड. आपको बताना है सबसे ज़्यादा जो कंजेशन है वो किस सिटी में है. वर्ल्ड वाइड अगर अब बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक की भीड़ रहती है वो हमारे ही इंडिया में से एक सिटी है जिसमें रहती है, और उस सिटी का आपको क्या नाम लगता है. स्टूडेंट्स, वो जो सिटी है वो है मुंबई. मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप मानेंगे 400 सिटीज़ में से जो टॉप पर सिटी है इस टाइम पर वो कौन है, मुंबई है.
सो आई होप ये वाली चीज़ हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी. स्टूडेंट्स, कल हमारे एक लास्ट में टिप्स भी होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एस बी पी ओ मेन्स है सैटरडे को, तो डेफिनेटली आप 4 PM क्लास देखेंगे. उसमें हम सारे आपके पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. आप सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपके जो भी डाउट है एस बी पी ओ मेन्स से रिलेटेड. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. विच मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन द कंट्री टू रिसीव द पावर जनरेटेड फ्रॉम अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करना, इससे रिलेटेड जो मेट्रो है उसका नाम क्या है. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो है दिल्ली मेट्रो. दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो भी किससे रिलेटेड है, दिल्ली से ही रिलेटेड है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. हु वाज स्वॉन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन के लिए जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमारा करेक्ट आंसर क्या है. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 है. दैट इज जस्टिस धीरू भाई नरन भाई पटेल. ओके, सो जस्टिस डीएन पटेल जो है उनको बना दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस. ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. टेक्निकल टीम, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ रिमूव जम्मू एंड कश्मीर चेयरमैन परवेज अहमद एंड अपॉइंटेड ब्लैंक एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ द लेंडर. सो इंटरिम चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक के कौन बन गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट इज आर के छिबर. आर के छिबर जो है उनको बना दिया गया है चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक. ओके, सो जम्मू कश्मीर बैंक से हमें एक नाम जो याद रखना है वो आर के छिबर है. चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The RBI has slapped a penalty of 2 crore on which bank for the known state lenders failure to adhere to the regulatory dictate or promoter shareholding recently. Okay, तो ये 2 crore का fine जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके ऊपर लगाया है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगी. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, कोटक महिंद्रा बैंक के. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी का नाम क्या है, उदय कोटक इज द एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ की टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल. सो लेट्स मेक मनी सिंपल इज द टैगलाइन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वर्ल्ड ओशंस डे टेक प्लेस एवरी ईयर ऑन विच डे. किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे. सो वर्ल्ड ओशन डे की यहाँ पर बात करेंगे, उसके साथ आपको बताना है व्हाट वाज द थीम ऑफ दैट डे, उस दिन का थीम भी क्या रहा है. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 8 June है. यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है, 8 June को मनाया जाता है. इसके लिए हमें जो एक थीम पता होना चाहिए वो है जेंडर एंड द ओशन. ओके, सो जेंडर एंड द ओशन वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे विच वॉज ऑब्जर्व ऑन 8 June. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल कन्फर निशान इजुद्दीन अवार्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक निशान इजुद्दीन जो अवार्ड रखा गया है, आपको बताना है कौन सी कंट्री से रिलेटेड अवार्ड है. सो निशान इजुद्दीन अवार्ड जो है वो कहाँ का अवार्ड है. क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो है मालदीव. मालदीव की कैपिटल एंड कंसी आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए देखेंगे इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, माले है. करेंसी जो यहाँ की है वो क्या है, रुपया इज द करेंसी. मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स. सो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोली. ओके, सो इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं. चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थाईलैंड्स न्यू पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड मिलिट्री गवर्नमेंट चीफ ब्लैंक एज द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर. थाईलैंड ने जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बना दिए हैं उनके नाम क्या है. तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम जल्दी से बताएंगे. थाईलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, बैंकॉक है. करेंसी यहाँ की क्या है, थाई भाट है. थाई भाट इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड. नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है प्रयुत चान ओचा. थोड़ा सा टिपिकल नाम है लेकिन प्रयुत से हम नाम याद रख लेंगे. प्रयुत इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड. क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड दैट ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग पीजेंट्स विल बी गिवन 12,500 अ ईयर एज इनपुट सब्सिडी बिफोर द शोविंग सीजन.
सो यहाँ पर 12,500 रुपीज़ जो हैं वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है फार्मर्स के लिए। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है 12,500 रुपीज पर ईयर। चलिए स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश के देखो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट एक हुआ था, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर यहाँ के चेंज हो चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी जो है वो यहाँ के सीएम है। कल मैंने आज के हमारे मॉर्निंग 5 AM सेशन में मैंने आपको करवाया था कि गवर्नर यहाँ के चेंज हो चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर बन गए हैं उनका नाम क्या है, विश्वभूषण हरिचंद्र। विश्वभूषण हरिचंद्र जो है वो बन गई हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर। इसके साथ एक अपॉइंटमेंट हुआ है, छत्तीसगढ़ की गवर्नर भी चेंज हो चुकी हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो कौन बन गई हैं। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो बैन कर देंगे सिंगल यूज प्लास्टिक को फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर। सो इसके लिए जो टारगेट ईयर रखा गया है स्टूडेंट्स वो क्या है, देखो अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लास्टिक अब रिसेंटली किस किस ने यहाँ पर बंद किया था, बैन किया है यानी। सो देखो इससे रिलेटेड एक जो कंट्री रही वो न्यूजीलैंड भी थी। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था कि हम जो प्लास्टिक है उसको यूज नहीं करेंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है, जसिंडा अर्डन है, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद यहाँ पर जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया। इसके लिए देखो थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ पर नाम याद रखना, बट इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2021 है। अनुष्या जो है वो छत्तीसगढ़ की चीफ गवर्नर बन गई हैं, जो बिल्कुल सही आप यहाँ पर बता रहे हैं। सो अनुष्या इज द न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो टारगेट ये था वो क्या है, 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा ये, Who has been named as the acting central vigilance commissioner as current recently? So CVC यहाँ पर आपको बताना है कौन बन गए हैं, उनका क्या नाम है। So is there anyone technical team? Okay, so लगता है हमारी technical team अभी सो रही है। So इसके लिए हमारा जो correct answer हो जाएगा students वो option number 4 है, that is शरद कुमार। तो शरद कुमार जो है वो क्या बन गए, हमारे सीवीसी बन गए हैं इस टाइम पर। चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। हु विल कंटिन्यू एज द सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड ऑर्डर इशूड बाय द पर्सनल मिनिस्ट्री। सो यहाँ पर आपको बताना है सेक्रेटरी कौन बन गए हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के लिए। सो इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, आईवी सुबा राव है। आईवी सुबा राव क्या बन गए, हमारे सेक्रेटरी बन गए हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर टू बी ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अभी क्या लॉन्च किया है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, तो किस दिन मनाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज 12th June। ओके सो 12th June विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से आपको बताना वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सो ILO की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसका जो हेडक्वार्टर रहता है वो कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रेजिडेंट का नाम जो है वो क्या है, गाय राइडर इज द प्रेजिडेंट। ओके सो गाय राइडर जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए कि थीम क्या रहा था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का। सो इसका जो थीम रहा स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट थीम है, चिल्ड्रन शुड नॉट वर्क इन फील्ड्स। चिल्ड्रन को कहाँ नहीं काम करना चाहिए, फील्ड्स में नहीं काम करना चाहिए, बट इन ड्रीम्स, उनको अपने सपनों पर काम करना चाहिए। काफी बड़ा और काफी अच्छा थीम रहा था इस दिन का। चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आरबीआई ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी टू रिव्यू द एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर विद अ व्यू टू इंक्रीज द एटीएम डिप्लॉयमेंट इन द अनबैंक्ड एरियाज। जो भी अनबैंक्ड एरियाज होते हैं जहां पर बैंक अवेलेबल नहीं हो पाता है वहां पर एटीएम लगाने के लिए पूरी कमिटी बनाई गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखो हमें जो नाम याद रख लेना है वो है VG Kannan। VG Kannan की एक कमिटी थी जो किससे रिलेटेड थी, एटीएम से रिलेटेड थी। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेम द पर्सन हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. देखो, आईवी सुबा राव की हमने बात कर ली थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज नरिपेंद्र मिश्रा. नरिपेंद्र मिश्रा जो है उनको बना दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी वो पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, अब उनको रीइलेक्ट किया गया है टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर एक बात हो गई है, द नेम द वेरी सेवरी साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट हैज हिट ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी. ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी जो है उसको किसने हिट कर दिया है? ओके स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज वायु. वायु हम कहाँ के लिए याद रखेंगे? देखो, काफी साइक्लोनिक स्टॉर्म आए हैं, वायु अगर आ जाएगा तो ईस्ट अरेबियन सी याद रखना है. अगर आपके सामने बात की जाएगी फानी या फिर फोनी की, तो वो कहाँ से रिलेटेड है? ओडिशा से रिलेटेड है. एक यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था जिसका नाम था तितली, जो अगेन आंध्र प्रदेश और ओडिशा से ही रिलेटेड था. क्लियर है स्टूडेंट? तो तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो आप ढंग से आंसर करके आओगे, आई होप सो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपके लिए है. स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ टारगेट ऑफ 600 लाइक्स. 600 प्लस वॉचिंग है तो हम टारगेट रखते हैं 600 लाइक्स का यहाँ पर. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी विल कन्फर द डिस्टिंग्विश्ड एल्युमनी अवार्ड टू द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड एस जयशंकर. देखो, निर्मला सीतारमन हमारे इस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर क्या है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो दोनों को ही यहाँ पर एल्युमनी अवार्ड दिए जाएंगे. तो आपको बताना है इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम क्या है. अंशी अवस्थी ने सबसे पहले आंसर किया है JNU, दैट्स गुड. सो JNU यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. जल्दी से बता दीजिए आपका स्कोर कितना चल रहा है आउट ऑफ 50. 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर ठीक हुए हैं? नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पर मूव करेंगे जल्दी से. तब तक आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है? काफी देर हो गई है यहाँ पर. ओके, सो 50, चलिए जल्दी से आप. ओके, 47 भी आ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स का स्कोर, सो दैट्स गुड. अगर आपका स्कोर अच्छा चला, 25 जिसका स्कोर है, तो मैं उससे बोलूंगी कि आपको जरूरत है अभी अपना करंट अफेयर रिवाइज करने का, करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो तो. चलिए मूव वहां करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑन इंटरनेट ट्रेंड्स, इंटरनेट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग किस कंट्री का जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं बाय 12%. आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की इंटरनेट यूजर्स हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गए हैं? शाहीना खान, सुनाओ क्या सुनाना है आपको. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो इंडिया है, यानी इंडिया के जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 12% इंक्रीज हुए हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर रैंक्ड 100th एंड रिमेन्स द सोल इंडियन इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट. वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट की एक लिस्ट निकाली गई थी फोर्ब्स लिस्ट, उसमें जो इंडिया के अकेले यहाँ पर एथलीट हैं जो क्या रैंक पर आते हैं, 100th रैंक पर आते हैं, उनका जो नाम है वो है विराट कोहली. यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 है. कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके विराट कोहली यहाँ पर फेवरेट है? अगर आपके फेवरेट हैं तो आप यहाँ पर जल्दी से स्माइल करेंगे. देखो, यहाँ हमसे क्या पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया है पूरी लिस्ट को. अगर टॉप पर हम बात करें तो लिस्ट पर जो टॉप किया वो क्या, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने. ओके, सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो यहाँ पर रहे वो सेकंड पोजीशन पर रहे. फर्स्ट पोजीशन पर जो हमारे रहे हैं वो है लियोनेल मेसी, यानी जो टॉप कर दिया था वो मेसी ने टॉप किया है. फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर मेसी रहे हैं. विराट कोहली यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं, चलिए अच्छी बात है. मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, इसके लिए हमारे जो करेक्ट आंसर था स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर 5 हो गया था. वर्ल्ड कप तो हार गए, कोई बात नहीं, हार गए कोई बात नहीं, फिर से जीत जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द ब्रांड एनालिटिक्स फर्म TRA रिसर्च, ब्लैंक हैज इमर्ज एज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन 2019. 2019 में सबसे ज्यादा अच्छा ब्रांड कौन सा रहा जिसमें हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि वो ब्रांड क्या रहा होगा? वट इज माई क्वालिफिकेशन? ओके, सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डेल. क्वालिफिकेशन आपका कुछ भी हो, लेकिन आपका कोई आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो दैट्स गुड. तो मेरे पास है गवर्नमेंट जॉब, सो क्वालिफिकेशन डजंट मैटर राइट नाउ. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो स्टूडेंट्स डेल हो जाएगा, यानी डेल जो है वो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड हो गया है इंडिया का. ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है.
Who was awarded the 54th Jnanpith Award for his contribution to the enrichment of Indian literature in English? So 54th Jnanpith Award जो है वो किसको दिया गया है? Okay, तो इस question को थोड़ा zoom out कर सकते हैं क्या technical team मैम? अगर कर सकते हैं तो थोड़ा कर दीजिए zoom. इस question के लिए जो हमारा correct answer है वो क्या है? Option number one है यानी अमितव घोष. अमितव घोष जो है वो क्या उनको मिल गया है 54th Jnanpith Award. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. माय फेवरेट इज धोनियों की. यहाँ पर हमारे यहाँ पर टीम में किसी के फेवरेट धोनी है, दैट्स गुड. सो क्वेश्चन उनसे पूछा गया, नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु इज द ग्लोबल यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर. यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर जो है उनका नाम क्या है? देखो प्रियंका चोपड़ा जो है वो यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर है. यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वन है. सो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनिसेफ हो गया आपका, यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, जो भी ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यू से शुरू हो रही है ना उसके हेडक्वार्टर याद कर लेना, प्रेसिडेंट हेड से याद कर लेना, क्योंकि हमसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनना ही बनना है यहाँ से. सो पीसीएस प्रियंका चोपड़ा जो है यहाँ की क्या है? एम्बेसडर है. यूनिसेफ का जो हमारा हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है जल्दी से हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो है हमारा, देखो न्यूयॉर्क जो है वो हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का. हेड यहाँ की कौन है? हेनरीटा एच फोरे जो है वो यहाँ की क्या है? हेड है. ओके स्टूडेंट्स, सो हेनरीटा एच फोरे इज द हेड ऑफ यूनिसेफ. चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके सो शेफुर रहमान का कुछ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट था. सो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स? उसके साथ आप बता सकते हैं इसका थीम भी क्या रहा है. देखो अगर आपको सेशन में कुछ भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर लास्ट में हमसे पूछ लेंगे, डेफिनेटली वी विल आंसर योर डाउट्स. इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फोर है, दैट इज 14th जून. 14th जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. अब इसका थीम क्या रहा था? सो यहाँ पर मैंडेटरी है कुछ लिखना तो लिख देते हैं, सेफ ब्लड फॉर ऑल. ओके सो सेफ ब्लड फॉर ऑल वॉज अ थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे विच वॉज ऑब्जर्व ऑन 14th जून. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. सोशल नेटवर्किंग जायंट फेसबुक हैज पिक्ड अप अ माइनॉरिटी स्टेक इन विच सोशल कॉमर्स कंपनी इन इट्स फर्स्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट. फेसबुक ने पहला अपना स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट किया है उस स्टार्टअप का नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. उसका एड भी आपने काफी बार देखा होगा, सुना भी होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है. ओके यहाँ पर एक देखो आप जो थीम बता रहे थे लव, लव जो थीम था वो किसका था? लव जो थीम था वो रेड क्रॉस डे का थीम था, ना कि इसका ब्लड डोनर डे का थीम था. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. लव वाज़ द थीम ऑफ व्हाट? रेड क्रॉस डे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखो मीशू, मीशू आपने काफी बार सुना होगा, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किसने किया है? फेसबुक ने किया है. चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच एशियन कंट्री हैज सिक्योर्ड 141st रैंक अमंग 163 कंट्रीज इन रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स. अगेन काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है. ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है उसमें 141 रैंक किसका रहा है? यहाँ पर जो रैंक रहा है 141 वो है हमारे इंडिया का. ऑब्वियसली हम किसी और कंट्री की तो बात नहीं करेंगे, इंडिया का जो रैंक रहा इसमें वो 141 रहा था. ओके क्या करें, यहाँ पर डेज तो याद करने पड़ेंगे. जो स्टूडेंट्स बोले खुद का बर्थडे याद नहीं रहता है. सो देखो यहाँ पर 141 रैंक जो रहा है वो इंडिया का रहा है. आपसे पूछा जाएगा कि टॉप किसने किया है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स को टॉप करने वाली जो कंट्री है उसका नाम क्या है? आइसलैंड है. ओके स्टूडेंट्स, तो टॉप इसने कर लिया है, इंडिया की रैंक 141 हम याद रख लेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है. व्हाट इज द मिनिमम फिक्स्ड मंथली पेंशन फॉर फार्मर्स अंडर द प्रधानमंत्री किसान पेंशन स्कीम. फर्स्ट थिंग एक चीज याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपसे पूछा जाएगा PMKPY जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम क्या बताएंगे? प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना बता देंगे. उसके लिए जो मंथली पेंशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स वो कितना दिया जाएगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ₹3000 मंथली यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा. कब? जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब. ओके चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड विद द बीबीसी अवार्ड. बीबीसी अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है?
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए देखिए हमारा जो आंसर है वो है अक्षय पत्रा ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, स्कूल में स्टूडेंट्स को मिड डे मील्स के प्रोवाइड करती है, यानी जो मिड डे मील्स स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं उसके लिए जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, अक्षय पत्रा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो जिसको दे दिया गया है यहाँ पर बीबीसी अवार्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो बीबीसी अवार्ड हम याद रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, व्हाट इज द करंट फीफा रैंकिंग ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है उसकी फीफा रैंकिंग क्या है, फर्स्ट थिंग, सेकेंड आप बताएंगे टॉप पर जो कंट्री चल रही है वो कौन सी कंट्री है। ओके, सो इंडियंस की फुटबॉल में रैंकिंग जो है, फीफा रैंकिंग जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, 101 है, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी इन्फेंटिनो जो है वो क्या है, फीफा के प्रेसिडेंट है, आप सबको पता होगा फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 140 नहीं है, 101 रैंक है फीफा का। बेल्जियम, जो नेहा कुमारी ने बताया है, बेल्जियम जो है उसने टॉप कर दिया है फीफा रैंकिंग को। ओके, सो टॉप पर जो है वो क्या है, बेल्जियम है, क्लियर है। चलिए आपके फुटबॉल प्लेयर फेवरेट कौन है, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे, देखते हैं किसका कौन सा यहाँ पर प्लेयर फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु वो स्वॉन इन एज अ स्लोवाकियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, स्लोवाकी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन गई है, उनका क्या नाम है। स्टूडेंट्स, इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि स्लोवाकिया की कैपिटल और कैंसी क्या है। देखो यहाँ जो हमारा आंसर है वो है जुजाना कैपुटोवा। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए नए नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर क्लासेस करते हैं उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई होप इन क्लासेस के थ्रू आपका अच्छा खासा रिविजन हो रहा होगा, है ना। सो इस क्वेश्चन के लिए देखो हमारा जो आंसर हो गया था वो जुजाना हो गया था। स्लोवाकिया की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रेटिस्लावा यहाँ की जो है कैपिटल है, करेंसी यहाँ की क्या है, यूरो इज द करेंसी ऑफ स्लोवाकिया। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन विच डे, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 15th जून। 15th जून को हम ऑब्जर्व करते हैं क्या, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। इज इट क्लियर टू यू। ओके, नवीन मिश्रा, देखो आपके टेस्ट में कैसे भी आ रहे हो लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जब SBPU मेंस हो तो उस दिन आप एनालाइज भी कर पाओगे सारी चीजों को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज बिकम द फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019, जो हमारी मिस इंडिया बन गई है 2019 के लिए, उनका क्या नाम है। सो हु इज राइट नाउ द, ओके, सो हिंदू रिव्यू करंट अफेयर में कोई डिफरेंस नहीं है, हिंदू रिव्यू तो आपको पूरा एक मटेरियल मिलता है, एक पूरा PDF मिलता है जिसमें आपका करंट अफेयर ही होता है, तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दैम। इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, सुमन राव फ्रॉम राजस्थान जो है वो क्या बन गई है, हमारी मिस इंडिया बन गई है, मिस इंडिया वर्ल्ड फॉर 2019 इज सुमन राव, शी इज फ्रॉम राजस्थान। आपसे क्वेश्चन बन सकता है मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट कौन बन गई हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएंगी, मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स जो बन गई हैं उनका नाम क्या है, उनका जो नाम है स्टूडेंट्स वो है श्रेया शंकर एंड शी इज फ्रॉम बिहार, वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो बिहार से हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, मिस इंडिया यूनाइटेड कॉन्टिनेंट्स हैं। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो इन 1994 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर जून ब्लैंक एज अ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। आपको पता है हर जगह सूखा पड़ता जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए जो वर्ल्ड डे मनाया जाएगा अनाउंसमेंट किसने किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किया है, तो इससे रिलेटेड जो डे है वो कौन सा है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो 17th जून हो जाएगा, अब से 17 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा एज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट। सी यहाँ पर इस डे के लिए एक पूरा एक स्लोगन भी रखा गया है, सो स्लोगन जो रखा गया था वो क्या था, लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। ओके, अगर हम ड्राफ्ट को यानी जो सूखा पड़ जाता है उसको कम कर पाएं, उसको रोक पाएं, तो हम ऑब्वियसली हम अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छे से बना पाएंगे, तो ये इसका थीम भी रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हुई थी ना, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, मारियो फर्नांडा एस्पिनोसा है, मारा इज राइट नाउ द प्रेसिडेंट, बट उनको जो रिप्लेस करने वाले हैं वो क्या है, तिजानी मोहम्मद बंदी हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट, ये आपके के लिए क्वेश्चन आ गया है, ब्लैंक हैज बीन इलेक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई, आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी कौन बन गई हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। देखो डी अगर आपके गलत होते हैं तो आपको जरूरत है आप स्टैटिक अवेयरनेस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, और डी आपके गलत नहीं होंगे अगर आप डेली बेसिस की क्लासेस हमारे फॉलो करोगे तो। रवि एंड मिश्रा जो है उनको बना दिया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ईडी किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। डेफिनेटली आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर हो गया है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फूड इंडिया टू बी हेल्ड फ्रॉम 1st to 4th November 2019 इन न्यू दिल्ली। देखो नवंबर में होने वाला है हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया, पूरा प्रोसेस यहाँ पर रखा जाएगा। आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज द टैगलाइन ऑफ दैट इवेंट, इस इवेंट के लिए टैगलाइन क्या रहा है। आई एम सिलेक्टेड एज IBPS PO इन बैंक ऑफ इंडिया समीक्षा तिवारी, बट अभी ज्वाइनिंग नहीं आया है। ओके चलिए इस क्वेश्चन के देखिए स्टूडेंट्स हमारा आंसर है वो क्या है, फोर्जिंग पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ। फोर्जिंग पार्टनरशिप फॉर द ग्रोथ वॉज द टैगलाइन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया विच विल बी हेल्ड इन नवंबर। ओके जो कहाँ पर होने वाला है, नवंबर में होने वाला है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैव बीन रेटेड बाय द रैंडस्टैड एज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। देखो पहले हमारा जो सबसे अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड था वो माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट को सरपास कर दिया है किसने, जो आप कल बता रहे थे 4 PM क्लास में, जो आप बिल्कुल सही बता रहे थे, यानी अमेजोन जो है वो इस टाइम पर टॉप पर है। ओके स्टूडेंट्स सो अमेजोन जो है वो टॉप पर है अगर हम बात करें मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड की, यानी अगर हम किसी में जॉब करना चाहें कहीं पर तो कहाँ करना चाहेंगे, हम अमेजोन में जॉब करना चाहेंगे, वो यानी वो एम्प्लॉयर्स के लिए सबसे अच्छी है इस टाइम पर। पहले माइक्रोसॉफ्ट था, माइक्रोसॉफ्ट का पोजीशन अभी सेकंड है, थर्ड पोजीशन पर सोनी डेल है। ओके चलिए देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल करेंसी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर करिए। अभी फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च किया है दैट विल अलाउ इट्स बिलियन ऑफ यूजर्स टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अक्रॉस द ग्लोब। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए फेसबुक ने जो डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज लिब्रा। लिब्रा जो है एक टाइप का डिजिटल करेंसी है जो फेसबुक ने लॉन्च किया है, इसको आप क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर हो गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइन कर दिया है कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट लैंडर HDFC बैंक। देखो अभी हमने बात की थी कोटक महिंद्रा बैंक पे RBI ने 2 करोड़ का फाइन लगाया है, उसके अलावा HDFC बैंक पे कितने करोड़ का फाइन लगाया है रिपोर्टिंग फ्रॉड्स। फ्रॉड्स को रिपोर्ट नहीं किया था HDFC बैंक ने, इसलिए RBI ने इसके ऊपर फाइन लगाया है। ओके हर्षिता गुप्ता, चलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज 7 करोड़। 7 करोड़ का फाइन यहाँ पर लगा दिया गया है किसके ऊपर, HDFC बैंक के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, लास्ट के 30 क्वेश्चन हमारे अभी बच गए हैं, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से अभी तक सेशन को देख रहे हैं आई होप कि आपको काफी हेल्प मिलने वाली है सेशन से। सो हु हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द 17th लोकसभा स्पीकर, हमारी 7वीं लोकसभा के स्पीकर कौन बन गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट जो हमारा आंसर है वो क्या है, ओम बिरला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओम बिरला क्या है, हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, 17वीं लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है, ओम बिरला है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे ही एग्जामिनेशन में, तो एक भी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कोटा राजस्थान से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज सेलिब्रेटेड इज ऑब्जर्व, हम लिखेंगे यहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन विच डे, किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है सेक्सुअल वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए, जो डे ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स वो रिलेटेड डे क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज 19th June। सो 19th June को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2019 बाई यूनाइटेड नेशंस विच कंट्री विल ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई 2027। देखो 2027 तक कौन सी ऐसी कंट्री है जो चाइना को भी सरपास करके सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगी। ओके देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे इंडिया का ही होने वाला है, इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएगी बाय 2027, यानी इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। आप जान सकते हैं इंडिया की कितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी कि उसने चाइना को भी सरपास कर दिया है। ओके तो टारगेट ईयर भी हम बता सकते हैं 2027 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है,
इन रिसेंटली रिलीज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर 2020, ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही यूनिवर्सिटी रैंकिंग से रिलेटेड. सो IIT बॉम्बे विच इज रैंक्ड ब्लैंक इन इंडियाज बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो. सो IIT बॉम्बे का रैंक कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर टू है, दैट इज 152. 152 रैंक है किसका, IIT बॉम्बे का, इस पूरी रैंकिंग में. बिल्कुल मेरा भारत महान, भारत सबसे बड़ा, यहाँ पर हम महान बोलते हैं वो रियल में महान हो जाएगा 2027 में. तो सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन, यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट मेक्स मैंडेटरी फॉर ट्रैकर्स टू कैरी ए GPS डिवाइसेस. देखो जब भी आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपके गुम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आप अपने साथ GPS डिवाइसेस को भी वहाँ पर ले जाएं, ताकि आपको कोई भी वहाँ पर इमरजेंसी हो तो आप हेल्प ले पाओ. ऐसा जो इनिशिएटिव है उसको शुरू करने वाला जो स्टेट है उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज हिमाचल प्रदेश. ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है, चलिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जल्दी से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आप कमेंट करेंगे, तब तक हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स अ न्यू टूल जिसका नाम क्या है, अवेयर टू कंटेन राइजिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड मेक एंटीबायोटिक यूज सेफर एंड मोर इफेक्टिव. आपको पता है एंटीबायोटिक्स का यूज जो है हमारे लिए काफ़ी साइड इफेक्टिव भी हो सकता है, उससे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके यूज़ को अभी सेफर बनाने के लिए, ताकि जो एंटीबायोटिक है वो आप सही यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके लिए एक टूल जो लॉन्च किया गया है उसका नाम है अवेयर. सो अवेयर जो टूल है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं वो WHO बता रहे हैं. लेट्स सी कि आपका आंसर क्या ठीक है. बिल्कुल सही आंसर आपने किया है. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. WHO इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसके हेड का नाम प्रेजिडेंट कौन है, प्रेजिडेंट का जो नाम है वो क्या है, टेड्रोस एडहानम इज द प्रेजिडेंट, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2019. जो हमारा योगा डे रहा था उसका थीम क्या था, 21 जून को हम सब जानते हैं ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे. इस बार का जो थीम रहा स्टूडेंट्स वो क्या था, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो 21 जून को तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, बट इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन. योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन वॉज अ थीम ऑफ वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे. ओके चलिए देख लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो वर्ल्ड आर्चरी अपॉइंटेड ब्लैंक एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन टू शॉट आउट द AAI, दैट इज आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया. आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके लिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट पर्सन कौन बना दिए गए हैं, वो खुद आर्चरी से रिलेटेड होंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज अभिनव बिंद्रा. अभिनव बिंद्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है, नेम द IT फॉर्म विच हैज साइंड अ मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद एयर बस फॉर कैबिन एंड कार्गो डिजाइंस. देखो एयर बस की जो डिजाइंस है वो कौन डिजाइन करने वाली है, उस कंपनी उस IT फॉर्म का नाम क्या है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा आंसर है वो टेक महिंद्रा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर है आप सबको, आई होप ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. एयर बस का नाम जहाँ पर आएगा वहाँ हम आंसर क्या करके आएंगे, टेक महिंद्रा आंसर करके आएंगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो विच कंपनी विल हेड द पैनल सेट बाय द SEBI टू रिव्यू द मार्जिन्स ऑन डेरिवेटिव्स एज सबमिट इट्स रिकमेंडेशंस टू द सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमिटी. सो आपको बताना है इससे रिलेटेड कमिटी का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है. सो स्टूडेंट्स ये जो सेट की गई है बाय SEBI सेट की गई, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड. यानी जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है इस सेशन, आप चाहते हैं ऐसे ही हम मंथली टॉप 100 MCQs लाते रहें, तो सेशन को लाइक जरूर करें. सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं आपकी तरफ से कि आप सेशन को एक लाइक दे दें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे. किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे. स्टूडेंट्स अगर वर्ल्ड म्यूजिक डे की हम बात करें तो इसके लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, 21 जून है. 21 जून को ही ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे भी. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट के हमारे 20 क्वेश्चन ही बचे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको बताना है कि
IIDEM है, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, उसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा देखिए जो आंसर है वो क्या है, 2011 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 2011 में एस्टेब्लिश किया गया था। दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन, मे बी ये गलती से यहाँ पर टाइप हो गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। ओके सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व ब्लैंक एज द इंटरनेशनल विडोज डे, किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल विडोज डे? सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, जस्ट टू लाइक्स, आप इससे भी ज़्यादा लाइक कर सकते हो इफ पॉसिबल, क्योंकि हम एक ही लाइक कर सकते हैं, एक स्टूडेंट तो एक ही लाइक कर पाएगा, दैट्स फाइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 30th जून है, 30th जून को ऑब्जर्व किया जाता है क्या, इंटरनेशनल विडोज डे। ओके 23rd जून आएगा, आई होप इसका आंसर। हाँ हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए था, यानी इसके लिए जो हमारा आंसर है वो 23rd जून है। 23rd जून को ऑब्जर्व करते हैं हम इंटरनेशनल विडोज डे। ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है इसका। एंटोनियो गुटरस जो है इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ मोरिटानिया? मोरिटानिया जो है वहाँ के प्रेजिडेंट जो बन गए हैं उनका नाम क्या है? देखो आपको इस कंट्री का कैपिटल एंड करेंसी भी कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट्स सी सबसे पहले कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर यहाँ से है, मोहम्मद अल गजवानी। मोहम्मद अल उल्द बोल सकते हैं आप उनको, गजवानी जो है MOG हम याद रख लेंगे, वो मोरिटानिया के क्या बन गए हैं, प्रेजिडेंट बन गए हैं। जून में काफ़ी डेज हैं, काफ़ी सारे डेज आ चुके हैं जून से रिलेटेड, कोई बात नहीं। सो स्टूडेंट्स इसके लिए जो हमारा आंसर था वो ऑप्शन नंबर 4 हो गया था। देखो आपसे जो आपके एग्जामिनेशन में डे पूछे जाएंगे वो 1 या 2 महीने, या आपके मई से पूछा जाएगा या फिर जून से पूछा जाएगा, ठीक है? तो मई जून से रिलेटेड आपसे डे पूछे जा सकते हैं, हाँ जुलाई से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन अगर जुलाई में है तो इतने ही डेज आप याद कर लो, ज़्यादा पुराने डेज याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू ग्रांटेड द FATF का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबरशिप। सो FATF का मेंबरशिप किसको दिया गया है? यहाँ पर जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो है सऊदी अरेबिया। लेट्स सी क्या आपका आंसर सही है। बिल्कुल सही आंसर आपने यहाँ पर किया है। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है, यानी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है स्टूडेंट्स वो रियाद है। करेंसी यहाँ की क्या है? रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया है यहाँ पर, सो विच कंट्री हैव बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू लॉन्च द GOAML या फिर यहाँ पर ML बोल सकते हैं आप, एन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। पहली ऐसी कंट्री जहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का इशू काफ़ी चलता रहता है स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज UAE। UAE वही कंट्री है जिसने क्या लॉन्च किया था, गोल्डन कार्ड लॉन्च किया था। आई होप ये आपको चीज़ें जो हैं UAE से रिलेटेड तो बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होंगी। UAE की जो हेडमैन का नाम क्या है, खलीफा बिन जायद है, वहाँ के क्राउन प्रिंस आप प्रेजिडेंट भी बोल सकते हैं उनको। चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक स्कीम का नाम बताना है, विच इज़ एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट ने एक स्कीम जो लॉन्च किया है, उस स्कीम का नाम क्या है? इस क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, यानी समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा इज द स्कीम दैट इज रिलेटेड टू दैट। ओके इससे रिलेटेड जो स्कीम है उसका नाम क्या है, समग्र शिक्षा है। ओके चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिलीजियस पिलग्रिमेज दैट विल गेट अ डेडिकेटेड इन हाउस डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बाय द सितंबर 2020। देखो आपको पता है डिजास्टर से काफ़ी हमारे जो पिलग्रिम्स रिलीजियस साइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, बट उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर एक टारगेट रखा गया 2020। तो कौन सा यहाँ से रिलेटेड है, सो यहाँ पर पिलग्रिमेज का नाम क्या है? इस क्वेश्चन के लिए देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा आंसर है वो क्या है, माता वैष्णो देवी श्राइन्स हैं, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 है। ओके तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द न्यू दिल्ली कॉन्स्पायरेसी इज टू बी पब्लिश सून. देखो इस ये जो बुक आपके सामने आई है, इस बुक को लिखा किसने है? ओके स्टूडेंट्स, तो इस बुक की जो ऑथर हो गई उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज मीनाक्षी लेखी. मीनाक्षी लेखी की बुक है जिसका नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पायरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कंट्री गिफ्ट मणिपुर अ पीस म्यूजियम? एक पीस म्यूजियम जो है वो मणिपुर को दिया है एज अ गिफ्ट, तो किस कंट्री की असिस्टेंस से वो वहां पर पीस म्यूजियम बनाया गया है? इससे रिलेटेड जो कंट्री है वो क्या है? जापान है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो जापान इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है? चलिए देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रीब्यूट्स फ्री दूरदर्शन सेटअप बॉक्सेस टू पीपल लिविंग इन बॉर्डर एरियाज. ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बार रिपीट करवा चुकी हूँ. देखो जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ये, यानी आंसर हमारा जो इस क्वेश्चन का है वो जम्मू एंड कश्मीर है. ओके, जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूट किसने किए हैं? हमारे आईबी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के साथ में मिलकर ये डीडी सेटअप बॉक्सेस वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए थे. ओके, तो देखो प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन मिनिस्टर भी हैं, इसके अलावा हमारे वो आईबी मिनिस्टर भी हैं, दोनों ही उनके पास पोर्टफोलियोज हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो गया है. बॉलीवुड एक्टर ब्लैंक इज कमिंग आउट विद हिज ऑटोबायोग्राफी लेसन्स लाइफ टोच मी अनोविंगली. लेसन्स लाइफ टोच मी अनोविंगली जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 5 है, दैट इज अनुपम खेर. अनुपम खेर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लेसन्स लाइफ टोच मी अनोविंगली. माई लाइफ माई मिशन इज द ऑटो बायोग्राफी ऑफ होम. आपको बताना है माई लाइफ माई मिशन जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबा रामदेव. ओके स्टूडेंट्स, सो बाबा रामदेव की ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है. चलिए मूव करते हैं. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा चीज. नेक्स्ट के हमारे क्वेश्चन देखेंगे क्या है. सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO. इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं, उनका क्या नाम है? हाँ, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज शिफाली जुनेजा. ओम बिरला कौन है? देखो शिफाली जुनेजा तो यहाँ की हेड बन गई हैं. ओम बिरला का नाम. ओके, सो थैंक्स फॉर केयरिंग मिंटू दास. सो देखो ओम बिरला क्या है? हमारे स्पीकर हैं इस टाइम पर 17th लोकसभा के. चलिए देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. लास्ट के हमारे 6 क्वेश्चन बच गए हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड इन नीति आयोग्स हेल्थ इंडेक्स. नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें टॉप किसने कर लिया है? डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन बनेगा. देखो नीति आयोग जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इट इज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है, और जिस स्टेट ने यहाँ पर टॉप कर लिया, स्टेट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज केरला. केरला स्टेट ने नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स को टॉप कर लिया, यानी यहाँ पर सबसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज जो है, यहाँ के लोग जो है सबसे ज्यादा हेल्दी हैं. कहाँ के हैं? केरला स्टेट के हैं. केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन है, एंड गवर्नर इज पी सदाशिवम. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल जो बन गए हैं उनका क्या नाम है? इस क्वेश्चन के लिए देखिए जो स्टूडेंट्स हमारा आंसर है वो है कृष्ण स्वामी नटराजन. कृष्ण स्वामी नटराजन बन गए हैं डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखेंगे हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए आ गया है. रेडिंग अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है. रेडिंग अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म वाज कंफर्ड टू इंक्रीज गुड क्वालिटी रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. आपसे पूछा गया है हु हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस रेडिंग अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर. जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर जो बन गए हैं उनका क्या नाम है? ओके, आशुतोष पानी पी लिया है, डोंट वरी स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज रचना खैरा. ओके, सो रचना खैरा यहाँ पर जो है वो क्या बन गई हैं? उनको बोला गया है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, जिनको मिल गया है रेडिंग अवार्ड. क्लियर है? चलिए लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चंस देखेंगे क्या है. सो हु हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज नेशनल टू हेड द यूनाइटेड नेशंस फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशंस का FAO जो है उसको हेड करने वाले पहले चाइनीज कौन बन गए हैं? ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है हमारा. स्टूडेंट्स यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या है? डोंग यू है, क्यू
क्यू डोंग्यू आप इनको बोल सकते हैं, वो हेड करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO को. FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में है. सो आर यू हैप्पी फॉर लास्ट टू क्वेश्चंस? ओके सो काफी फनी नाम है आई नो. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपको बताना है. यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व ब्लैंक एज द MSMED. MSMED जो है यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग कब मनाया जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 5 है, दैट इज 27th को ऑब्जर्व किया जाएगा अब से क्या? यूनाइटेड नेशंस MSMED. क्लियर है? काफ़ी सारे दिन आ गए हैं आई नो जून मंथ से, बट हमें ज़्यादा तो याद करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देखो आज का सेशन का फाइनल क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है. नेम द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर विच विल पार्टनर विद द MobiQuick टू प्रोमोट द बिट साइज आप यहाँ बोल सकते हो हेल्थ इंश्योरेंसेज. स्मॉल इंश्योरेंस यानी माइक्रो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए MobiQuick के साथ किसने पार्टनरशिप कर लिया है? आबरा का डाबरा, वाओ काफी फनी नाम है. चलिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी. सो फुल स्क्रीन दिखा दीजिए. ओके सो आज के सेशन में हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए हैं. जितना भी टाइम लगा लेकिन आपको पूरा सेशन हो चुका है. जल्दी से 600 लाइक्स का हमारा टारगेट है. आपको हमारी टेक्निकल टीम बार बार बोल रही है तो 600 लाइक्स तो एटलीस्ट हम उनके लिए कर ही सकते हैं. आज का सेशन आपको कैसा लगा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे. उसके अलावा आप मुझे बताइए कि आपका 100 में से कितना स्कोर इस टाइम पर चल रहा है. देखो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि आपके इन 100 क्वेश्चन से पूरा मंथ कवर हो जाए. ओके सो उसके लिए आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं सेशन को. ओके बिल्कुल सेंचुरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम पर. सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? ओके सो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन स्टूडेंट्स. बिल्कुल 1 hour 18 minutes में हमने मानो पूरा मंथ कवर कर लिया है. काफ़ी बड़ी बात होती है पूरा मंथ इतने टाइम में कवर करना. सो आई थिंक आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा जिससे हम पूरा मंथ एक घंटे में पूरा कर पाएं. यस किरण कुमार जैसे चाह रहे हैं जल्दी से सब स्माइल करेंगे उसके बाद आज का सेशन हम खत्म करेंगे. देखो हमारा क्या होने वाला है, सैटरडे को हमारा SBPO मेन्स है. मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई किया है, आपको सारे 6 months का करंट अफेयर कवर करवाया है. उसके अलावा आपको जो डेली बेसिस पे जुलाई मंथ का करंट अफेयर आप उसके थ्रू पढ़ सकते हो. 1st से July तक अभी हमारा क्लास हो चुका है तो आपको हर एक चीज़ पढ़ के जाना है. लास्ट टाइम पर आपको कल 4 PM पर हमारा लास्ट मिनट टिप्स होगा SBPO मेंस के लिए, जिसमें खुद आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया था जब मैंने मेंस एग्जामिनेशन दिया. ओके सो मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या सिचुएशन हमारे सामने आ सकते हैं, उन हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कल के 4 PM सेशन में. सी स्टूडेंट्स अगर आपको कल मेंस एग्जाम आपको परसों मेंस एग्जामिनेशन नहीं है तो किसी ना किसी दिन तो ऐसा आएगा ना कि आप मेंस एग्जामिनेशन दोगे, तो लास्ट में टिप्स तो आपको देखनी ही चाहिए फिर भी. सो आई होप कि आप सब वहाँ पर कल जरूर ज्वाइन करेंगे. चलो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीक से कोई नई सीरीज शुरू करते हैं. मे बी हमारे वो बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज हो सकती है. तो जो भी आपके सजेशंस हैं, मैंने आपको कल भी बोला था अगर आप चाहते हैं हम बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज को शुरू करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें. आपके जितने भी सजेशंस होते हैं वो बिल्कुल बताएं. ब्रीव गर्ल यहाँ पर पूछ रही कि कल क्लास होगा क्या? कल हमारा क्लास होगा बट दैट विल बी द लास्ट मिनट टिप्स अबाउट SBPO मेंस. तो लास्ट मिनट टिप्स होने वाला है. ओके सो स्टूडेंट्स के यहाँ पे 97 out of 100 आए हैं, 96 out of 100 आए हैं. स्टूडेंट्स आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपने एग्जामिनेशन में भी इतना अच्छा परफॉर्म करके आओ. ऐसा कुछ नहीं कि आप यहाँ पर इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो. अगर जो स्टूडेंट यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा और वो लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करता है. चलिए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच. और आपकी जो भी सजेशंस आपको क्लास कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. मैं हर एक कमेंट आपका देखने वाली हूँ. अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उसको कल ऐड कर पाएं हमारे लास्ट मिनट टिप्स में. यस जयंत लास्ट मिनट टिप्स अबाउट द SBPO मेंस तो उसमें हम जरूर इंक्लूड करेंगे अगर आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो. SBPO नोटिफिकेशन कब तक आएगा? SBPO नोटिफिकेशन आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आपका अगस्त या फिर सेप्टेम्बर में आएगा. वो सेप्टेम्बर के आसपास आ सकता है.
देखो नोटिफिकेशन का वेट मत करो ना, नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर वेट ही करते रह जाओगे। अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और आपको पता है नोटिफिकेशन आने से तो कोई नहीं रोक सकता है, नोटिफिकेशन तो आना ही है। एग्जामिनेशन तो आपके सामने इतने सारे हैं, देखो चार एग्जामिनेशन अभी आप SBI के एग्जामिनेशन को छोड़ोगे तो आपके पास RRB PO क्लर्क है, उसके बाद आपके पास IBPS PO क्लर्क भी आ जाएगा, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी, आप कोई ना कोई एग्जामिनेशन आराम से निकाल सकते हो। चलिए खत्म करते हैं आज का सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ गुड डे। Subscribe to Ada247 and press the bell icon to never miss another update.